हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। एंड आज हम देखेंगे कि आरआरबीज का मर्जर क्यों किया जा रहा है। आप सभी को पता होगा कि रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनका जो है मर्जर किया जा रहा है। लिस्ट मैंने एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने शेयर किया था कि किस आरआरबी का मर्जर किसके साथ हो रहा है, अब उनकी स्पॉन्सर बैंक क्या हो जाएगी। तो ये होपफुली जो मर्जर है 30th of September में हो जाएगा। मीन्स जो क्वार्टर एंड होगा जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर वाला, उस क्वार्टर के एंड में ये मर्जर हो जाएगा एंड न्यू बैंक्स के नेम आपके पास आ जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस किया था कि उससे आपकी वैकेंसीज पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन आज हम ये डिस्कस करेंगे कि आरआरबीज का मर्जर होता क्यों है, इनसे फायदा क्या होता है एंड एक्चुअली नीड क्या पड़ जाती है कि गवर्नमेंट को इन बैंक्स का मर्जर करना पड़ता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए एंड मेरी मानिए तो वीडियो को एंड तक देखिए, आपके इंटरव्यू के बहुत से क्वेश्चंस यहीं से निकल आएंगे एंड आपका जो नॉलेज है आरआरबीज के बारे में वो भी बढ़ेगा एंड फ्यूचर में आप इन्हीं बैंक में वर्क करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आरआरबीज के मर्जर के बारे में। आपको अगर पता हो तो आरआरबीज जो थी पहले वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। अच्छा, आरआरबीज की मर्जर से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप देखिएगा वीडियो के, वहां पर एक लिंक दिया हुआ है, उस चैनल को आप प्लीज अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप मेरी बहुत हेल्प कर पाएंगे। वहां पर हमें 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए, लेकिन आप लोगों की हेल्प उतनी मिल नहीं पा रही है, कर देंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा मुझे। चलिए देखते हैं आरआरबीज के बारे में। आरआरबीज अगर आपको तो पता नहीं होगा क्योंकि अभी लोग आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट जो बैंक से जुड़े हुए लोग हैं पहले के या जो अब जुड़ चुके हैं उन्हें पता होगा अब कि पहले जो आरआरबीज थी वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थी। ठीक है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट एक आरआरबी। अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट तो अलीगढ़ ग्रामीण बैंक, ठीक है, आपकी बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट तो बाराबंकी ग्रामीण बैंक। यूपी के डिस्ट्रिक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, आप जहाँ के होंगे वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के नाम पर ग्रामीण बैंक रही होगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्यों थी आरआरबीज? आरआरबी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इसलिए थी क्योंकि ये लो कॉस्ट बैंकिंग थी गवर्नमेंट की, जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट का था लो कॉस्ट बैंकिंग का। अब लो कॉस्ट बैंकिंग कैसे, मतलब कम से कम कॉस्ट में जो रूरल एरिया है, जो एक्सट्रीम रूरल एरिया है जहां पर फैसिलिटी बैंकिंग की नहीं है, वहां पर बैंकिंग की फैसिलिटी को पहुंचाया जाए आरआरबीज के माध्यम से। तो किया क्या गया, एक कमरा दिया गया, एक कमरे में एक मेज डाल दी गई और एक टूटी फूटी एक दो कुर्सियां डाल दी गई और बन गई बैंक। ठीक है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही था जब आरआरबीज बनी, ना कोई लाइट थी, ना कोई फैन था, ना ही किसी और तरह का मटेरियल था। कंप्यूटर तो खैर तब आए ही नहीं थे, लेकिन जो रात अगर हो जाए तो काम करने के लिए वहां पर कैंडल जलानी पड़ती थी। और जो बैंक्स थी, अभी तो जितनी भी रीजनल रूरल बैंक्स है वो ऑन रोड है, मतलब ऑन द हाईवे है, भले वो रूरल एरिया में है लेकिन वो ऑन रोड है। ऐसा नहीं है कि वो रोड के एकदम अंदर हो जहां पर जाना मुमकिन ना हो। तब जो रीजनल रूरल बैंक्स होती थी उस टाइम पर वो गांव के बहुत अंदर होती थी एंड किसी गांव में एक घर में खोल लिया या कोई दुकान सी मिल गई वहां पर बैंक खोल लिया। तो इस तरह का कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर था आरआरबीज का। जब इंफ्रास्ट्रक्चर ही इतना खराब था तो सस्टेनेबल तो होना ही नहीं था। तो ये लो कॉस्ट बैंकिंग प्रोवाइड करने की गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था, ये पूरी तरह से फेल रहा। क्यों? क्योंकि ऐसे इन्वायरमेंट में ना वर्क करना पॉसिबल था और ना ही ऐसे इन्वायरमेंट में कोई कस्टमर आपका आना चाहेगा। ऑल दो कस्टमर आते थे, मजबूरी थी क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं था। ठीक है, तो इनसे क्या हुआ, आरआरबीज जो है वो फाइनेंशियली बहुत वीक हो गई। फाइनेंशियली बहुत वीक क्यों हो गई, क्योंकि एक तो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम कर रहे हैं, ऊपर से आप एक्सट्रीम रूरल एरिया में काम कर रहे हैं जहां पर हो सकता है आप 200, 500, 800 लोगों से जुड़ पाएं, इस ज्यादा लोगों से जुड़ नहीं पाएंगे। तो जब इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इनको थोड़ा सा पावर देने के लिए, थोड़ा सा स्टेबल बनाने के लिए, फाइनेंशियली सस्टेनेबल स्ट्रक्चर इनका बनाने के लिए गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि आरआरबीज का जो है मर्जर कर दिया जाए। मर्जर कैसे हुआ, देखिए एक ही स्टेट में, एक स्टेट है सपोज यूपी, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में एक ग्रामीण बैंक है जो कि स्पॉन्सर्ड बाई कैनरा बैंक है। वाराणसी में एक ग्रामीण बैंक है जो कि स्पॉन्सर्ड बाई कैनरा बैंक है। ठीक है, बाराबंकी में एक ग्रामीण बैंक है स्पॉन्सर्ड बाई कैनरा बैंक है। गाजियाबाद में एक ग्रामीण बैंक है जो स्पॉन्सर्ड बाई कैनरा बैंक है। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ने क्या किया, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कैनरा बैंक से स्पॉन्सर्ड बैंक थी वहां पर। ठीक है, कि जितनी भी बैंक एक स्टेट में एक ही बैंक द्वारा स्पॉन्सर है इनको आपस में मर्ज कर दिया जाए। मतलब अब एक स्टेट में एक स्पॉन्सर बैंक द्वारा एक ही आरआरबी रहेगी, ऐसा डिसीजन लिया गया। तो जो आरआरबीज का नंबर था वो 190 समथिंग जो उस टाइम था वो घटकर बहुत कम हो गया, 86-87 पर आ गया नंबर। एग्जैक्ट नंबर नहीं आता बट शायद 86 पर नंबर आ गया। तो जो नंबर ऑफ आरआरबीज थी वो कम हो गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो थोड़ा इंप्रूव होने के चांसेस हुए और जो मेन बात थी इनका वर्क एरिया था वो बढ़ गया। ठीक है, अब जब थोड़ा सा बड़ा वर्क एरिया हुआ तो भाई अभी तक तो छोटा छोटा था, चलो एक जगह काम करना है। ठीक है, अब ट्रांसफर्स भी होने लगे, बाकी चीज़ें भी होने लगी, तो इससे एम्प्लॉयज़ को ये फायदा हुआ, उन्होंने डिमांड भी की और
कि मेरी फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट किया जाए, तो आरआरबीज की फैसिलिटीज में इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे हो रहा है। ऑल दो ये मर्जर होने से पहले ही आरआरबीज की जो सैलरी है वो इक्वल हो गई थी स्पॉन्सर बैंक के। ठीक है, बहुत सी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी लेकिन सैलरी जो है वो इक्वल हो गई थी। अब वर्क एरिया बढ़ने पर ये फाइनेंशियली थोड़ा सा सस्टेनेबल जरूर हुए, क्योंकि अब वर्क एरिया बड़ा हुआ तो इनको के पास जो है पैसा भी ज्यादा आने लगा, कस्टमर्स भी ज्यादा जुड़ने लगे। ठीक है, और जो वर्क जो एम्प्लॉयज थे, पहले देखिए जब डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक होती थी तो फिर कोई ना हेड ऑफिस होता था। ठीक है, अब एक ही डिस्ट्रिक्ट है उसमें हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता था, होता था लेकिन वो सिर्फ कहने को होता था। अब जब वर्क एरिया बड़ा हो गया तो एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने लगा कि भाई एक इनका रीजनल ऑफिस बनेगा। ठीक है, अलग अलग रीजन के रीजनल ऑफिस हो गए, फिर उनके ऊपर एक हेड ऑफिस हो गया। ठीक है, अलग अलग जगहों पर और बाकी ऑफिस बनने लगे। तो लेकिन हुआ इसके बाद भी क्या कि कुछ आरआरबीज जो थी वो अभी भी लॉस में वर्क कर रही थी। अब लॉस में वर्क करने का रीजन क्या था, ये तो कुछ भी हो सकता है। जैसे अभी एनपीए बहुत बढ़ रहा है तो एनपीए के लिए तो उससे बैंक लॉस में जाती हैं। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बैंक एम्प्लॉयज तो नहीं है, लेकिन ये माना गया मे बी मिसमैनेजमेंट कुछ रहा हो किसी बैंक में, तो कुछ आरआरबीज प्रॉफिट में जा रही थी, कुछ आरआरबीज लॉस में जा रही थी। तो गवर्नमेंट ने दो कमेटी बनाई थी, दो कमेटी ने इसकी एक्चुअली स्टडी की कि आरआरबीज के साथ क्या किया जाए कि वो स्टेबल हो सकें, उनका जो प्रॉपर जो वर्क कल्चर है इम्प्रूव हो सके एंड जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनकी बढ़ सके। तो एक कमेटी ने ये बोला कि वन स्टेट वन आरआरबी मर्ज करके कर दिया जाए, वन स्टेट वन आरआरबी। दूसरी कमेटी ने ये बोला कि जो आरआरबीज हैं इनको मर्ज कर दिया जाए इनकी स्पॉन्सर बैंक के साथ, मतलब कोई बैंक कैनरा बैंक की स्पॉन्सर्ड है तो उसको कैनरा बैंक बना दिया जाए, कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया जाए एंड सारे एम्प्लॉयज फिर कैनरा बैंक में काम करेंगे। ऐसी दो कमेटियों की स्टडीज सामने आई। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट है वो इस स्टडी पे काम कर रही है। ये धीरे धीरे जो फेजेस आ रहे हैं एमलगमेशन के मर्जर के, ये इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि वन स्टेट वन आरआरबी को अचीव किया जाएगा एंड शायद उसके बाद भी अगर लॉस में होती हैं तो फिर ये टारगेट अचीव किया जाएगा कि आरआरबी को उनकी स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो वन स्टेट वन आरआरबी को लेकर अब जो बैंक है वो 56 आरआरबीज हैं इंडिया में। ठीक है, सेकेंड टाइम क्या हुआ जब मर्जर हुआ 86 बैंक से 56 बैंक आई, तो उसमें जो कुछ प्रॉफिट में बैंक थी और जो कुछ लॉस में बैंक थी इनका आपस में मर्जर कर दिया गया। तो लॉस वाली बैंक प्रॉफिट वाली बैंक के साथ जुड़ गई तो थोड़ा और इम्प्रूवमेंट आया आरआरबीज में। लेकिन अभी जो एज प्रेजेंट 56 बैंक काम कर रही हैं अभी भी, देखिए प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास करेंसी चेस्ट नहीं है। करेंसी चेस्ट नहीं है किसी भी आरआरबी के पास, एक आरआरबी छोड़ दे हम राजस्थान की कोई है जिन्होंने करेंसी चेस्ट स्थापित कर लिया है, बाकी किसी भी आरआरबी के पास करेंसी चेस्ट नहीं है। मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से किसी भी रीजनल रूरल बैंक के पास पैसा नहीं आता है। आरआरबी को जब पैसे की जरूरत होती है तो वो आईसीआईसीआई बैंक या एसबीआई किसी अन्य बड़ी बैंक से जो उनके डिस्ट्रिक्ट में होती है वहां से पैसा लेते हैं। ठीक है, बहुत जगह एक्सिस बैंक से लेते हैं, बहुत जगह आईसीआईसीआई बैंक से लेते हैं, लेकिन आरबीआई से पैसा नहीं आता है। इसका फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क ये पड़ता है कस्टमर से जुड़ने में परेशानी होती है। क्यों, नोट्स अच्छे नहीं आते हैं बहुत से जगह, जो स्पॉन्सर बैंक से पैसा मिलता है बहुत जगह। एक तो स्पॉन्सर बैंक रीजनल रूरल बैंक के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं। ठीक है, वहाँ के एम्प्लॉयज को वो अपना नहीं समझती हैं, जबकि प्रॉफिट आरआरबीज का वो शो करती हैं अपनी बैलेंस शीट में भी। ठीक है, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तब 2,000 रुपए के नोट लॉन्च हुए थे, लेकिन आरआरबीज में आने में कई महीने का, 1 से 2 महीने का टाइम लग गया ये नोट्स आने में। 200 रुपए का नोट लॉन्च हुआ तो आरआरबीज में ये आने में 6 से 7 महीने का टाइम लग गया। इवन पहली बार नोट बहुत से बैंकों में तब आया जब किसी कस्टमर ने दिया। ठीक है, तो करेंसी नहीं आती, तो ये एक एम्प्लॉय पे भी इसका फर्क पड़ता है, कस्टमर पे भी इसका फर्क पड़ता है। ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं हमेशा यहाँ पे खराब नोट्स ही मिलती हैं। ठीक है, लोग अकाउंट बंद करवा देते हैं, फैसिलिटीज नहीं मिलती हैं, इंटरनेट बैंकिंग नहीं मिल रही है, मोबाइल बैंकिंग नहीं मिल रही है। तो जो यूथ है, जो नया है, जो यंग जनरेशन है, वो आरआरबी के साथ नहीं जुड़ रही है। और दूसरा रीजन ये भी है लॉस में जाने का कि अब रूरल एरियाज में नेशनलाइज्ड बैंक की पहुंच हो चुकी है। ठीक है, रीजनल रूरल बैंक जो है वहां पर जो है वो धीरे धीरे वीक पड़ रहे हैं, क्योंकि हर रूरल एरिया में छोटा सा भी कस्बा है तो वहां पर 2-3 नेशनलाइज्ड बैंक पहुंच चुकी हैं। तो फ्यूचर आरआरबीज का मे भी यही हो कि दूसरी कमेटी ने बोला कि इसको स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए। ठीक है, तो करेंसी चेस्ट नहीं है, नोट्स आते नहीं है, टेक्नोलॉजी है नहीं, इंटरनेट बैंकिंग है नहीं, मोबाइल बैंकिंग है नहीं, भीम चलता नहीं है, बहुत कम आरआरबीज में चलता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कहीं भी नहीं चलता है, बहुत ही कम आरआरबीज में चलता है। तो अब जो मर्जर किया जा रहा है कि 56 बैंक से इसको 38 बैंक कर दिया जाए, तो इसीलिए किया जा रहा है कि प्रॉफिट मेकिंग आरआरबीज को लॉस वाली आरआरबी को, मतलब लॉस वाली आरआरबी को प्रॉफिट वाले के साथ मर्ज कर दिया जाए, जिससे दोनों आरआरबी के थोड़ा प्रॉफिट में आ सकें एंड टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में इजी हो। ठीक है, अब एक टेक्नोलॉजी एक बैंक ने अडॉप्ट कर ली, ठीक है, ऐसे क्या था कि सबको करनी थी, 50 बैंक हैं, अभी 38 बैंक कर लेंगी, पूरे इंडिया में जितनी आरआरबीज हैं सब में वो टेक्नोलॉजी आ जाएगी।
ठीक है, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग ऐसी फैसिलिटीज भी स्टार्ट की जा सकें, एंड ताकि इनको, तो रीजन एक ये हो गया कि वर्क एरिया इनका इम्प्रूव किया जाए, ठीक है, एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा होता है, फाइनेंशियली स्टेबल इनको बनाया जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए, स्टेबल स्लैश इंडिपेंडेंट बनाया जाए, ठीक है। नंबर थ्री, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में इजी हो, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में थोड़ा सा इजी होगा, एंड अगर ये तीन चीज़ें सही से इम्प्लीमेंट हो गई देन आरआरबीज भी जो है वो प्रॉफिट में आ जाएंगी, एंड आरआरबीज भी अच्छा करने लगेंगी परफॉर्म, एंड जब वर्क एरिया जब बढ़ेगा एंड जब 1:1 आरआरबी होगी तो उससे एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटीज़ भी बढ़ेंगी, एंड एम्प्लॉयज़ की फैसिलिटीज़ बढ़ेंगी तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज़ काम भी अच्छा करेंगे। तो ये रीज़न है कुछ आरआरबीज़ के मर्जर के पीछे। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको किसी भी रीज़न से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड वीडियो हमारी आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर पाती है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू, एंड आज आपको वीडियो मिलेगी करंट अफेयर्स की, आज आपको वीडियो मिलेगी टारगेट क्लास की, एंड एसबीआई क्लर्क का एग्जाम हो गया है, आज शाम तक के एग्जाम्स हो जाए सारे, तब फिर मैं कट ऑफ के एनालिसिस लाऊंगा, अभी 2 दिन का पैटर्न देख लिया जाए। थैंक यू।